नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बिहार में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कोसी नदी लगातार कहर बरपा रही है। इस बीच बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र की कार्रवाई के दौरान भी जमकर हंगामा हुआ है। विपक्ष के विधायकों ने बवाल काटा है, लेकिन इस बीच एक चेहरे को ढूंढा जा रहा था जिनका नाम है तेजस्वी यादव। जी हां, बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं और अभी वो विधानसभा की कार्रवाई से नदारद हैं। वो दिल्ली से पटना लौटे नहीं हैं और उनके बारे में पूछा जा रहा है, सदन में सवाल उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को यहाँ मौजूद होना चाहिए और सरकार से बाढ़ के मुद्दे से साथ साथ जो AES का मुद्दा है उस पर भी सवाल पूछे जाने चाहिए। एक तरफ जहां पर भाई वीरेंद्र हैं, पार्टी के विधायक हैं, पुरजोर आवाज़ उठा रहे हैं सरकार के लिए और सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो तेजस्वी यादव के नहीं पहुंचने पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। भाई वीरेंद्र ने किस तरह से विधानसभा में सवाल किया है, नीतीश सरकार पर निशाना साधा है, पहले आप सुनिए। नहीं, पूरे बिहार में बाढ़ की स्थिति खराब है और हम समझते हैं कि 9 से ज़्यादा जिले बाढ़ से प्रभावित है और हमेशा बाढ़ आती है तो तटबंध टूटता है और लोग गांव के गांव विस्थापित हो जाते हैं। लेकिन सरकार रोज करोड़ों अरबों रुपये उस पर खर्च करती है, लेकिन ये पैसे कहाँ जाते हैं? चाहे वो कटाव के नाम पर कटाव निरोधक कार्य हो या फिर तटबंध की मरम्मती के नाम पर, सिंचाई विभाग तो लुटेरा विभाग हो गया है और जनता के गाढ़ी कमाई को वो पैसा खा रही है। और हम तो कहेंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए और हर साल जो पैसे खर्च होते हैं उसका हिसाब जनता के बीच में पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए कि मैंने जो खर्च किया है वो खर्च तटबंध मरम्मती कराने में, जो कटाव रोधक रोड ये है काम, उसको मैंने कराया, लेकिन कहीं उनका काम सरजमीन पर नहीं है। तो ये तो बात रही विधानसभा की। अब विधानसभा के बाद विधान परिषद की अगर बात कर लें तो विधान परिषद में नेता विपक्ष हैं राबड़ी देवी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव की माँ भी हैं। उनके लिए भी ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि उनसे भी सवाल किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव आखिर हैं कहाँ। विधानसभा के मॉनसून सत्र के कार्रवाई में सिर्फ 2 से 3 दिन तेजस्वी यादव शामिल हुए, उसके बाद एक बार फिर से वो गायब हो गए, अभी तक कार्रवाई में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे हैं। इस बीच विधान परिषद की तस्वीरें हैं जो अपने स्क्रीन पर देखिए किस तरह से राजद के MLC और कांग्रेस के MLC मिल करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लिया हुआ है, पोर्टिको में खड़े होकर के बवाल हो रहा है, लगातार नीतीश सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है। राबड़ी देवी ने भी बड़ा निशाना साधा है, बड़ा हमला बोला है, सुनिए। पूरा ट्रेन टूट गया है, रोड टूट गया है, आना जाना बंद हो गया है, कोई सरकार के व्यवस्था नहीं है, न खाने का न पीने का, ना अफसर लोग जा रहा, कोई नहीं जा रहा, कोई देखभाल नहीं जा रहा। आप ही लोग के चैनल से हम लोग देख रहे हैं कि कोई देखभाल नहीं कर रहा है, कोई मंत्री चाहे कोई संतरी हो, नीतीश कुमार गए हवा हवाई से उड़ के चले आए, जाना चाहिए गाड़ी से। तो कुल मिलाकर के विधानसभा में जो राजद के विधायक हैं वो राजद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, विपक्ष को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को बचाते दिख रहे हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि तेजस्वी यादव एक बार फिर से गायब हो गए। हालांकि वो सोशल मीडिया पर एक आध दो ट्वीट जरूर कर दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें सरकार के सामने आकर के सवाल नहीं पूछना चाहिए जब बिहार में 9 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और 156 राहत शिविर बनाए गए हैं जहां पर लोग शरण ले रहे हैं। इस खराब हालात के बीच तेजस्वी यादव पता नहीं कहां हैं, उनके बारे में सवाल किया जा रहा है। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, हम देखते हैं कब तक तेजस्वी यादव लौटते हैं। हालांकि सत्र की जो वक्त है वो खत्म हो रहा है, बहुत ही थोड़ा समय और बचा हुआ है मानसून सत्र में, लेकिन सवाल क्या है कि तेजस्वी यादव इससे पहले विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने पहुंचेंगे। आपको हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए लाइव सिटी.in पर जाएं। धन्यवाद।